पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनावाला ने बुधवार को कहा कि कोरोना का एक टीका 20 जनवरी तक देश में उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन सस्ती होगी, हालांकि इसके लिए समय पर नियामकीय अनुमोदन मिलना जरूरी है। हिंदुस्तान समूह के अंग्रेजी अखबार मिंट के साथ एक साक्षात्कार में पुनावाला ने कहा, भारत और ब्रिटेन ने परीक्षणों की सफलता के आधार पर यदि नियामक निकायों से समय पर मंजूरी मिले तो हम देश में जनवरी 2021 तक वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद कर सकते हैं। पुनावाला ने कहा, लोग बिना किसी सुरक्षा चिंता के इसका उपयोग कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दीर्घकालीन प्रभाव का पता लगाने में 2 से 3 साल लगेंगे। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोविशील्ड वर्तमान में देश में दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण में है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए SII द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैसेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संभवित कोविड-19 वैक्सीन ने 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि 2 खुराक वाले टीके ने 1 सफल खुराक वाले टीके से अधिक अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दी है। मूल्य निर्धारण को लेकर बातचीत जारी। दुनिया की सबसे बड़ी दवा उत्पादक फर्म के सीईओ पुनावाला ने कहा कि कंपनी वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, हम निश्चित है कि यह सभी के लिए सस्ती होगी। SII का लक्ष्य लगभग 6-7 करोड़ खुराक का निर्माण करना है और इसे प्रतिमाह वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक तक बढ़ाना है। कंपनी ने भारत और अन्य देशों के लिए टीके के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गावी वैक्सीन अलायंस और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।